अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होगी। अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल्टस की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लगाई हैं, जिसमें आपको पता है कि मैंने उसकी खसूसियात बयान की हैं। आपको भी गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो तीन चार फॉल्ट आ गए हैं वो बहुत ही ख़तरनाक फॉल्ट आ गए हैं, जिससे मेरे दिल से जो है ना ये उतर गई है। अब ये गाड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। बस मैं कहता हूँ भी कौन सा टाइम हो तो मैं इसको बेच दूँ, सेल कर दूँ, या तो बस किस तरह इस गाड़ी से आप जान छुड़वाऊँ, क्योंकि अब ये मेरे दिल से जो है ना ये उतर गई है। इसमें तीन चार फॉल्ट ऐसे आ गए हैं। खसूसियत भी इसकी बहुत अच्छी है, जो इसमें खसूसियत है वो भी काफ़ी अच्छी है। जो इसके अंदर फ्यूल एवरेज है, रोड ग्रिप है इसकी, और इसकी जो पिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो इसके अंदर फॉल्ट आए हैं, उसमें एक सबसे बड़ा फॉल्ट तो आ गया जी इसकी वायरिंग का, इंजन की जो वायरिंग है वो हीट हो के तार जो है वो जल जाती है, फिर उसके बाद वो जो है दूसरे तारों को भी ख़राब करती है, जिससे सलेंसर का जो सेंसर है वो भी शो करेगा कि ख़राब है, और इंजन की जो केम है उसका भी मेरे ख्याल में कुछ सेंसर है वो भी जो है ना वो भी शो करेगा कि वो भी ख़राब है। ठीक है, एक तो ये फॉल्ट आ गया, उससे वायरिंग साइड निकालनी पड़ती है, फिर उसको जोड़ लगा के बड़ी सही तरीके से फिर दोबारा करके फिर उसको लगाना पड़ता, तो किस टाइम भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो इसके अंदर फॉल्ट आया है वो ये है कि इसका ABS ब्रेक जो है वो सही काम नहीं करता। इसका ABS जो ब्रेक है वो जैसे आप लोग ब्रेक लगाएंगे वो मिसिंग करेगा, वो ब्रेक को कवर नहीं करेगा, पकड़ नहीं करेगा, जिस तरह इनके ABS ब्रेक गाड़ी को जो कहते हैं ना कि ABS ब्रेक है ये गाड़ी ये जाम कर देता है, वो चीज़ नहीं है इसमें। तो लिहाजा कोई भी गाड़ी भगाए सिटी के अंदर ये रश के अंदर, तो गाड़ी बिल्कुल एहतियात और ख्याल के साथ भगाए, कोई पता नहीं है अभी किसी टाइम भी ब्रेक नहीं भी लग सकती। तीसरा जो फॉल्ट इसके अंदर आया वो हीटर वाला जो कंडेंसर है उसका आया, वो दो तीन तो मैंने चेंज करवा रहे हैं, तो उसकी तो मैंने वीडियो भी लगाई हुई है अपने चैनल पे। चौथा फॉल्ट इसके अंदर आया इसकी एसी की कूलिंग का, इसकी एसी की कूलिंग नहीं है बिल्कुल, यानी कि नॉर्मल हो जाती है, जैसे गर्मियाँ होती हैं तो ऐसे आल्टो से भी पीछे इसका एसी हो जाता है, यानी कि इतना यानी कि गंदा इसका एसी हो जाता है। ये गाड़ी ऐसे मेरे दिल से उतरी है ना, यकीन करेंगे इतनी मुझे अच्छी लगती थी गाड़ी, अब उतनी ये मुझे बुरी लग रही है। बहरहाल कोई भी दोस्त है जिनके पास भी हैं वो अपना ख्याल और एहतियात के साथ गाड़ी को भगाएं, अगर कहीं भी गाड़ी भगाते हैं रेस लगाते हैं तो अपने एहतियात के साथ बिल्कुल ख्याल के साथ, यानी कि अपना ख्याल रखिएगा जी।